बांदा के कोतवाली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल पुलिस ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष को उनके घर से उठा लिया था। अध्यक्ष पर एसपी शालिनी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है और इसी सिलसिले में पुलिस ने उन्हें उठाया। अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस के जवानों ने उन्हें रात भर पीटा। सुबह होते होते कोतवाली पर सैकड़ों समर्थक थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे। पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, मंडल महुआ से, ब्रजेश त्रिपाठी मेरा नाम है। कार्यकर्ताओं की समस्या लेके हमेशा मैं मैडम के पास जाता था। मैडम कभी भी कार्यकर्ताओं की सुनती नहीं थी, तुत्कार के भगा देती थी। मैडम का परसों के दिन ट्रांसफर हुआ था, मैंने उनकी पोस्ट पर भ्रष्टाचारी लिख दिया। मैडम ने शादी वर्जिश के गुंडे भेज के मुझको घर से उठवाया और मेरा मोबाइल जब्त कर लिया। मुझे किसी से बात नहीं करने दी गई। एक चार पहिए से दूसरी चार पहिए में कई क्राइम ब्रांच में मेरे साथ मारा, मैडम ने मारा। मैंने उसे क्षमा भी मांगी, उसके बाद भी क्षमा नहीं किया उन्होंने। और कभी किसी गाड़ी में, कभी किसी गाड़ी में, उनके मैडम के जो स्पेशली पुलिस थी, खुद के गुंडे जो बनाए हुए थे उनके साथ में कभी रात में यहाँ घुमा रहे, कहीं अज्ञात लगे। दोपहर 11 बजे मैं सरकारी अस्पताल में मुझको लेके आए हैं ये लोग। रणवीर सिंह इंस्पेक्टर हैं, वो लेके आए हैं वहाँ पर जो है मेरा इलाज करवाने के लिए। वहाँ पर मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे देख लिया, वहाँ पर घेर लिया गया गाड़ी को। अब जाके मुझ कलगे पे छोड़ा है, नहीं वो लोग पता नहीं मुझे गायब कर रहे थे। वहीं हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी जमानती धारा और निजी मुचलके पर ब्रजेश को रिहा कर दिया। पूरे मामले पर एएसपी ने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। हम पूरी जानकारी करते हैं, क्या कोई एसपी के ऊपर टिप्पणी की थी जिसको लेकर आक्रोश व्याप्त था भाजपा? जानकारी सैकड़ों की तादाद में जो है समर्थकों ने तांडव किया है कोतवाली में आकर के। इस बारे में मैं पूरी जानकारी पहले ही करता हूं। इस दौरान नेताओं ने एसपी के खिलाफ भी थाने में तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की और पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की बात भी कही। बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।